सो हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। दोस्तों, आज हमारा कियोस्क पोर्टल अपडेट हो चुका है। इसके बारे में कंप्लीट सेटअप करेंगे और उसका प्रोसेस क्या है इन सब के बारे में बिना किसी एरर के लॉगिन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका कियोस्क पोर्टल में पुराना यूआरएल जो था कुछ इस प्रकार था, अब नया यूआरएल आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी से भी जानकारी के थ्रू आपको मिल गया होगा, जो कि ये है आपका न्यू लॉगिन लिंक। ठीक है, तो इसको आपको सेट करने के लिए सबसे पहला आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटरनेट ऑप्शन के माध्यम से सेटिंग करेंगे। तो आपको ब्राउज़र में आपको सर्च टैब में कर लेना है इंटरनेट ऑप्शन सर्च। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पुराना लिंक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीका से सेट रहता है। ठीक है, यदि आप लोग पुराना लिंक में लॉगिन करेंगे तो एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ रहा होगा, तो आपको न्यू लिंक में ही आपको ओपन करना है। ठीक है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, तो आपको न्यू लिंक को कॉपी कर लेना है। मैं न्यू लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है, फिर आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सारा चीज़ आपको क्लोज़ कर देना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे उसके बाद एक और एरर आ रहा होगा, चूँकि आपको उसको भी आपको मैं सॉल्व करा दूँगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से एरर मैसेज आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने कम्युनिकेशन मोड जो कि मार्फो का है उसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे सी ड्राइव में चलना है, फिर मार्फो का आरडी सर्विस 0 सॉफ्ट है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग होगा, कॉन्फ़िग सेटिंग, यहाँ पे कॉन्फ़िग सेटिंग आएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड जो है यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड जो है यहाँ पे 04 HTTPS, चूँकि हमारा अब HTTP हो गया है तो एक करना होगा आपको कम्युनिकेशन मोड को। जस्ट इसको एक कर देंगे, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही इसको सेव कर लेना है, आपको सेव करने के बाद आपको अपना मार्फो को या तो प्लग आउट करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सर्विसेज के थ्रू करिए, सर्विसेज टाइप कर लेना है आपको। सर्विसेज टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे मार्फो आरडी सर्विस लिखेंगे, फिर इसको रीस्टार्ट कर देना है। जैसे टेलीमेट्री सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, देख सकते हैं इस तरीके से टेलीमेट्री सक्सेसफुल का मैसेज आया। अब हम लोग लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट इसको आप लोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, फिर आपको अपना आईडी लॉग इन कर लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे उसके बाद कोई सा भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले अगर मार्फो का कम्युनिकेशन मोड को 0 रहेगा तो यहाँ पे लगातार एरर आते रहेगा और आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसको मैं पोर्ट भी मेरा सेट हो चुका है, अब यहाँ पे इसको चेक मार्क लगा के फिंगर में अपना कैप्चर कराता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर लॉग इन भी कर लिया। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, आप ट्रांजेक्शन करने के लिए ये ट्रांजेक्शन टाइप यहीं पे दे दिया है। यहाँ पे AEPS को दे दिया, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही कर लेता हूँ अपना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का। ठीक है, यहाँ पे UID और VID दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज दिए गए, तो मैं यहाँ पे जस्ट विड्रॉल करता हूँ। ठीक है, जैसे विड्रॉल करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन, चूँकि पोर्टल अभी नया है तो मेरे को भी एक्सेस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा आपको। सबमिट करते हैं, शायद मैं मेरा ही कर रहा हूँ इसलिए ये नहीं आ रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे कस्टमर का भी कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास तो अभी कोई कस्टमर नहीं है, तो फिर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आरडी एफडी क्रिएशन है, एसएचडी ट्रांजैक्शन, नो योर कस्टमर, मतलब केवाईसी का भी ऑप्शन दिया है, कार्डेड सर्विस का दिया है, आरडी ट्रांजैक्शन, लोन डिपॉजिट, और यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दिया गया है, आरडी क्रिएशन, और यहाँ पे ई केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर ई केवाईसी अकाउंट मोड है, यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी है अकाउंट ओपनिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको लॉगिन करना है सक्सेसफुल, और इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट सर्विसेज के बारे में आपको एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से बिना किसी एरर के थ्रू आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। धन्यवाद।